Kalkiri is a small village located in Mundargi Taluk of Karnataka. And this is Daiyamma, spending her leisure afternoon at her father's house with her children. ऐसा क्यों हुआ रास्ते में क्यों पैदा हुई हाँ एम्बुलेशन फोन करें फोन करने में तो एम्बुलेशन लेट होता को बोले हो ना हमें रिक्शा कर ले जा रहे थे हाँ इरपा बुजार उंगलने में तो रास्ते में डिले हुए There are more than 50 villages like Kalkeri that fall under the Taluk Mundargi. And there is one hospital to cater to the needs of all of them. Let's head to Mundargi to get to know this hospital. उस बारे में बता सकते हैं कि हुबली क्यों सेंड करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वहीं पे सेंड करते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है सो हम लोग ऑन टाइम देते हैं कल्चर टेस्ट के लिए नाम है आठ पेशेंट तो मुझे सर चिकन गुन्या टाइप मंगा था याकंदर कंफर्म मरा कागल लगा चिकन गुन्या आंतर गला कागल लगा याकंदर इले लैब इला टेस्ट चिकन में ना तो लैब टेस्ट इला मुझे मार्केट में बंद है डॉक्टर सही ला है ना ये तो को इस टिकास पड़ने को बंद है मत अगर सुनना है ट्रीटमेंट पड़ता है आज तो औसत पड़ता है एडमिट मारे ना पेशेंट के छोटा छोटा गांव ज़्यादा है इसलिए सब भी गांव का लोग उधर आएगा ना वो थोड़ा डॉक्टर प्रॉब्लम ऐसा है जल्दी ट्रीटमेंट जो नहीं मिलेगा ये जाएगा ना तुरंत ट्रीटमेंट ले सकता है जो नहीं ले सकता है ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना इसलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं अच्छा तो फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता ढंग से ट्रीटमेंट मिलेगा लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा गए तो ज़्यादा इज्जत से नहीं देखता है ऐसा बोल रहा है अच्छा और अगर कोई जैसे गंभीर समस्या होती है गंभीर समस्या होती है तब लेता है ज़्यादा गद्दल रहेगा तो आगे गदक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है उधर भेज देता है एम्बुलेंस से उधर इधर ज़्यादा नहीं हमारा पास थोड़ा ये नहीं हो सकता ऐसा ऐसा घाव है ऐसा प्रॉब्लम है इधर नहीं हो सकता आगे जेना कहीं बोल के आगे लिख के वो एम्बुलेंस में गदक और दूसरे दूसरे जगह पर भेज देता है तो गदक हॉस्पिटल जाने में समस्या होती होगी समस्या होती है लेकिन 50 किलोमीटर होता है वो जाने के लिए एक घंटा डेढ़ घंटा टाइम लगेगा वहाँ पे जाके फिर उधर ट्रीटमेंट लेने का उधर भी नहीं हो सकता वो जो बोलता है वो हॉस्पिटल में नहीं हुबली लेके जाओ ऐसा बोलता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम दुड कट के ना हम बड़ोर ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟತ್ತಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ ಸವಲತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿಸಾನಿ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಹೋಗ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾಂಟಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಹೋಗ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ರೂಪಾಯಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಸಕ್ ಏನಕತ್ತಿ ಈಗ ಎರಡ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೊಯ್ಯದ ಎರಡು ಕಳ್ಸೋದು ಅವು ಎರಡರ ಬದುಕಿಸ್ಕೊನಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾರಿ ಬೇಕ್ರೆ ಎರಡ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಕೊಯ್ಯದ ಕಳ್ಸೋದು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊನಕರ ಬೇಕಾ ಅದು ಬೇಡ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಗದಗ ಹೋಗ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಅವನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ टोमेन ना भी रहते हैं ना उनका दो भी पेयर होता है
उनको प्रॉब्लम रहता है, फिर आर टी वो केस तो आते रहते हैं, आर टी केस तो बहुत गंभीर के इसमें रहते हैं, उनसे इधर ट्रीटमेंट सो वो उतना पूरा रहता नहीं उधर, इसके लिए उधर काम कर रफर कर देते उनको डॉक्टर्स हम लेके जाते रहते जब। तो अभी तो देखो इधर का थोड़ा डॉक्टर कमी है, इधर कमी है बोले तो क्या है, अभी इधर थोड़ा पहली बार थोड़ा अभी क्या बोलते हैं, अभी जन लोग ये नहीं करते, स्पंदन नहीं करते डॉक्टर के साथ, वैसा हो के डॉक्टर ठहरने के लिए बहुत ये करते हैं इधर मुंडरगी में। अभी क्या भी कुछ हुआ बोले तो झगड़ा करते हैं ना, इसके लिए कोई डॉक्टर भी आने के लिए मना करते हैं इधर। इधर तो ये बहुत साल से चल रहा है, इधर बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर आते थे इधर, हम तो इधर ही चाहते हैं ज़्यादा जनता का 99% हमें कुछ भी हमारे घर में हुआ तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहला आते, बाद में हमें दूसरे दवाखाने को जाते। तो लोगों को लोग ऐसा है ना, वो क्या भी थोड़ा ये हुआ बोले तो झगड़ा करते, झगड़ा नहीं करने का, रिक्वेस्ट करे तो हमारे को स्टेटमेंट मिलता है इधर हमारे बोलने का, एक ऐसा करते ना ऐसा हो कि क्या हुआ है थोड़ा ये हुआ ना वैसा हो कि डॉक्टर आने के लिए मना करते हैं, इधर आने के लिए मना करते हैं, ऐसा हुआ है। पहले यहाँ एक ही डॉक्टर थे, दे ने कोई भी वही काम करते थे, दे भी ड्यूटी कर कर दे नेट भी ड्यूटी कर, वैसे क्या होता तो इमरजेंसी आए तो आप जल्दी नहीं आए, आप क्यों लेट आए, आपके घर में होते आप ऐसा करते, इसके हाँ ये सब बोलकर उनको डॉक्टर को पीटा, डॉक्टर्स छोड़ो उनको माँ बाप को सब भी पीटता, वो यही फोटोस में रहते थे, उनको माँ बाप को भी पीटा, इस डर की वजह से यहाँ लोग ज़्यादा उनकी मतलब ज़्यादा पीटा उनको, उनका फिर गलत पहुँचे कहाँ उनको रेफर किया गया डॉक्टर, वो यहाँ चोट कर दी चले, तो इस वजह से क्या होता है फिर डॉक्टर्स नहीं आने, वो ये मुंडली तालुक वर्स्ट है, डॉक्टर्स को सेफ नहीं है, इसलिए वो स्टिग्मा होते हैं ना, ऐसा हुआ मुंडली तालुक को, इसकी वजह से खुद ही लोग। बीस ऑपरेशन हुए, कहाँ पे हुआ ऑपरेशन आपका? दावणगिरी में। मुंडरगी में क्यों नहीं गया? नहीं है, नहीं डॉक्टर नहीं थे, दावणगिरी में कर लेकर दो मरते। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर मुंडरगी में डॉक्टर होते तो आपको आसानी होती? अब वो तो हमने नहीं देखते उन्होंने। अच्छा, वो शिकस्त वाले नहीं कहते।